तुमने इन्वेस्टमेंट किया वो भी फॉरेन कंपनी में, थोड़ा नीचे से बोल दीजिए ना, फ्रॉड पे स्लोली कंपनी फ्रॉड निकली, इट्स स्लोली एंड एक्शन कंपनी फ्रॉड निकली, मेरे सारे पैसे क्या तुमने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन कंपनी में और कंपनी फ्रॉड निकली, तुम्हारे पैसे चले गए। तुम अपने आप को हाईली क्वालिफाइड कहती हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी कंपनी के एडवाइजर से क्यों एडवाइस नहीं ली तुमने? 10 करोड़ रुपए पानी में डाल दिए, कोई मामूली बात है? बिजनेस है मम्मी जी, कभी सही डिसीजन ले लेते हैं, कभी गलत डिसीजन हो जाता है। अब जो गलत डिसीजन हो गया है उसके ऊपर बैठ के रोती रहूं या इस बात को इस बात की भरपाई कैसे करनी है, सही कैसे करना है उसके बारे में सोचो। इट्स इट्स रियली ऑलराइट मम्मी जी, आपको जब भी साइन करना है ना आप साइन कर दीजिएगा। और हाँ, यही रीजन है, दिस इज व्हाई आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो जाऊँ। लेकिन आपको तो मज़ा आता है ना ये देखने में कि मैं एक एक पैसे के लिए आपके सामने हाथ फैलाऊँ, नहीं? ये पूनम, इट्स रोलिंग एंड एक्शन। पूनम देव सर को बुलाओ फास्ट, बीच में गैप मत छोड़ो। पूनम देव सर को बुलाओ, इट्स रोलिंग एंड एक्शन। पूनम देव सर को बुलाओ। ओके, वो ओवरसीज बैंक के साथ कंपनी फ्रॉड निकली, मम्मी जी मेरे सारे पैसे तुम अपने आप को हाई। वो कंपनी फ्रॉड निकली उसका रिएक्शन थोड़ा शार्प दीजिए। कॉम्पे कॉम्पे बस ये रोल। अरे लिलीपुट संभालो, उधर आ रहा है फ्रेम, आ रहा है ना, हाँ ये केबल कोई देखो ना। रोल ये पूनम कोर्स वहां से आपका ये सीन आ जाएगा शायद, थोड़ा नीचे कर दीजिए भाई। बस रोल, इट्स रोलिंग एंड एक्शन। पूनम कौन से मम्मी जी, हर वक्त ये मिडिल क्लास बातें करनी जरूरी है क्या? मतलब आप आलू प्याज में भी भाव का करेंगे आप? तुमने दाम देखे आलू प्याज? नहीं देखे, लेकिन मैं जानती हूँ ऑर्गेनिक प्याज मंगाई थी, स्पेशल मैक्सिकन सैलेड किए मम्मी जी, मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे और वो लोग डाइट प्लान पे, तब उन्हें मैं कचौड़ी खस्ता समोसे और तले हुए गराड़ू तो नहीं खिला सकती ना। ऑर्गेनिक प्याज का रेट भी पता है मुझे, वो दुकान वाला हमसे ठग रहा है, ज्यादा रेट लगा रहा है, दैट्स इट। हमको ठग रहा है, हमने ठग एंड हां एक्शन। ऑर्गेनिक प्याज का रेट पता है मुझे, ये दुकान वाला हमें ठग रहा है, बस कहानी दीजिए ना हमें मम्मी जी से, मतलब 1500 ज्यादा लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 1500 की बात नहीं, गलत कहकर ठगना सही बात नहीं है। सीरियसली मैम जी, मुझ में ना इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपसे अभी इस आलू प्याज के भाव तौर पर डिस्कशन करूँ। आप ना प्लीज़ ये चेक पे साइन कर दीजिए। ये क्या है इतने रेडी, ये क्या है इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? 10 करोड़ रुपए मजाक है मम्मी जी, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ और आप मुझे काम नहीं करने दे रही ये कहते कि मेरी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आप हिसाब मांगिए, आप साइन करिए ना लीजिए। तुम बताओगे कि इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? तुम बताओ क्या हुआ? एक्शन। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था ओवरसीज बैंक के साथ में, कंपनी फ्रॉड निकली और मेरे सारे पैसे डूब गए। क्या? तुमने इन्वेस्टमेंट किया था ओवरसीज बैंक के साथ और कंपनी फ्रॉड निकली? मॉर्निंग सर, एक्शन। तुम बताओगे कि 10 करोड़ रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? एक इन्वेस्टमेंट किया था
ठीक है रोल यहाँ से आते एक वहां से इनकी लाइन हो तुम जाओ रेडी हाँ चलिए आगे बढ़ो।